आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। सहारनपुर निवासी पीड़ित महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। देवबंद थाने में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित महिला ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला थाना देवबंद के सापला खत्री गांव का है, जहां सबनम की शादी अब से कुछ माह पूर्व मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के ददेरू निवासी इंतजार के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद तक तो सही रहा, लेकिन पिछले काफी दिनों से अतिरिक्त दहेज व गलत कार्य के लिए पीड़ित महिला के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा। पीड़ित महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों से परेशान होकर देवबंद थाने पर एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। और साथ ही पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति अपने रिश्तेदार के साथ जबरदस्ती उसका निकाह कराना चाहता है, क्योंकि उसके रिश्तेदार के पहली पत्नी से कोई बच्चे नहीं होते, इसलिए मेरा पति जबरदस्ती मुझे अपने रिश्तेदार के साथ रहने के लिए मजबूर करता है, और अगर मैं उसकी इस बात को नहीं मानती तो वह मेरे साथ शराब पीकर मारपीट करता है, इसलिए मुझे इन लोगों से अपनी जान का खतरा भी है। महिला ने बताया कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन लोगों की तुरंत गिरफ्तारी हो। मुजफ्फरनगर से डॉक्टर शाहवेज अंसारी के साथ अमित गौतम की रिपोर्ट। सबनम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी सांप लेके। क्या मामला हुआ आपके साथ जो आप ऐसे जी? ये मुझे पहले तो ले आए थे, शादी कर ली 29/12 में मेरे से जी, फिर इन्होंने आके मुझे छोड़ दी थी इंतजार की जी। इंतजार कहाँ का रहने वाले हैं? ददेड़ू का जी। कब हुई थी शादी? चरथावल थाना। कब हुई, कितनी तारीख को हुई थी? 29/12 में हुई थी। शादी के बाद कब से आपको परेशान जी? मुझे फुरका जी किराए पर लेगा, किराए पर ले जाकर मेरी 7 माह से इसके भिड़ी ने छेड़ छिंटा भी करी जी, परेशान करे था ज्यादा, कहीं कहीं हाथ लगावे था जी। दहेज मांगा मेरे से, पैसे मांगे मेरे 90,000 शादी से पहले दिए इसको जी। तो आपने मेरे घर वालों को बताया था आपसे परेशान करे थे? जी नहीं, मैं अपने घर वालों को नहीं बताया कोई। तो आप क्या चाहते हैं? जी मैं इसे इंतजार के साथ रहना चाहूँ। कोई कार्रवाई चाहता है? नहीं, कार्रवाई मतलब चली नहीं कोई कार्रवाई इन पर जी। उन्होंने कह रहे मेरे भिड़ोई से निकाह कर ले, जब रखूँगा तुझे। से क्यों निकाह करवाना चाहता है? जी उन्होंने कहा मेरा भिड़े को बच्चे नहीं उठते जी। जबरदस्ती के रहने के लिए जी उन्होंने कह रहे निकाह कर ले और मेरे भिड़े को बच्चे हो जाएंगे जी।